हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री होस्टेड 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने 76वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 की मेजबानी की, यूएसए, आइसलैंड, न्यूजीलैंड या फिर स्विट्जरलैंड। राइट आंसर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल क्या होती है, बर्न। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ स्मोक एंड एशेस। स्मोक एंड एशेस के ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड, एम के अग्रवाल, अमिताभ घोष या फिर चेतन शर्मा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्मोक एंड एशेस के ऑथर हैं आपके अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935, 1939, 1942 या फिर 1946। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1935, 1st of April 1935। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका कहाँ है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना आपको कुंभलगढ़ का किला कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ का किला आपका राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, चांदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना आपको चांदोली नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड। आपको बताना है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 कहाँ खेला गया, बताइए, कोलकाता, चेन्नई, नासिक या फिर न्यू दिल्ली। तो ये आपके तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में खेली गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द यूएस कांग्रेस ट्वाइस। आपको बताना है कि अमेरिकी कांग्रेस को दो बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं भारत के, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर नरेंद्र मोदी। तो ये हमारे बने हैं ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, द टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना है आपको टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ये कौन से राज्य में है, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रोजगार योजना, सॉरी रोजगार नहीं, जवाहर योजना लॉन्च्ड। बताना है आपको जवाहर योजना कब लॉन्च हुआ, 1976, 1989, 1995 या फिर 2001। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1989 और 1st of April। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर। आपको बताना है मिड डे मील स्कीम कौन से ईयर लॉन्च किया गया, 1976, 1989, 1995 या फिर 2001। तो देखिए मिड डे मील स्कीम जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995, 15th of August। आगे बढ़ते हैं, विच बैंक वॉज अर्लियर नोन एज द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंक को पुराना नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अलाहाबाद बैंक। तो देखिए SBI को पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और फिर 30 अप्रैल 1955 को इसका नाम SBI हो गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम्स इज अ, डोलड्रम्स क्या है, ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, सब ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट या फिर ट्रॉपिकल विंड डिफेक्शन बेल्ट, बताइए क्या है डोलड्रम्स। तो देखिए डोलड्रम्स जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल विंड डिफेक्शन बेल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ऑप्शन में जब बोलता हूँ तो उससे दिक्कत होती है, तो भाई मैं एक बार और बोला था, मैं एक बार और बोल देता हूँ कि कुछ लोग मेरी वीडियोस को बस सुनते हैं, देखते नहीं हैं, आई डोंट नो वाई, तो उनकी वजह से मुझे ऑप्शन बोलना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेज़र एयर प्रेशर। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है एयर प्रेशर को नापने के लिए, बताइए, हाइड्रोमीटर,
बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर एनीमोमीटर? तो देखिए, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है एयर प्रेशर को नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश कौन सा है? इंडिया, चाइना, थाईलैंड या फिर यूएसए? तो देखिए, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश है आपका ऑप्शन नंबर ए इंडिया, और इंडिया में सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है आपका वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जो है वो लैंड यूज कैटेगरी में नहीं आता है। फॉरेस्ट लैंड, मार्जिनल लैंड, पास्चर लैंड या फिर बैरन एंड वेस्ट लैंड? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैरन एंड वेस्ट लैंड जो है ये आपके लैंड यूज कैटेगरी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन? एशिया का सबसे बड़ा मसाले का मार्केट, होलसेल मार्केट कहाँ लगता है? दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर अहमदाबाद? तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा होलसेल स्पाइस मार्केट आपके दिल्ली में लगता है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे? देखिए, बैट बैट का मतलब हुआ चमगादड़। चमगादड़ आपको पता होगा कि रात में उड़ता है ये, ठीक है? तो अंधेरी रात में ये उड़ता है, तो क्यों उड़ता है ये, किस वजह से? आर नेचुरल हैव शार्प आइज, हैव स्ट्रॉन्ग विंग्स या फिर प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स? बिकॉज दे हैव प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिप्टो गेमे? व्हाट इज क्रिप्टो गेमे बताइए क्या है? क्रिप्टो गेमे क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, प्लांट हैविंग कलर्ड सीड है या फिर प्लांट हैविंग अनकलर्ड सीड? राइट आंसर ऑप्शन बी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस? बैटल ऑफ चौसा कब हुआ? 1539, 1545, 1543 या फिर 1551? बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस इन ऑप्शन नंबर ए, 1539। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि मानस नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? केरल, असम, गुजरात या फिर हिमाचल? तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आई थिंक, मेरे को लगता है एसएससी का, और ये है आपके असम में, ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो को भी एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हिमाचल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।